नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:04 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:29 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:38 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज गणगौर व्रत भी किया जाएगा। आज मत्स्य जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 14 अप्रैल की रात 1:35 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। फिर से समय बता दूं, 14 अप्रैल की रात 1:35 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 15 अप्रैल की देर रात 3:06 से अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:00 से शुरू हो चुका है और दोपहर 2:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 9:42 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:56 से दोपहर 2:17 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 9:42 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:56 से दोपहर बाद 3:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अप्रैल की दोपहर 1:42 से शाम 7:17 तक, और एक बार फिर रात 9:36 से देर रात 1:02 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 9:42 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:56 से शाम 6:50 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अप्रैल की दोपहर 1:12 से शाम 6:47 तक, और एक बार फिर रात 9:06 से रात 12:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से सुबह 9:34 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:49 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 12 अप्रैल की रात 8:10 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी।
ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:33 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:35 तक। लखनऊ दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:17 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:30 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से दोपहर 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है। माता को मीठे का भोग लगाएं, पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आपको नई धार्मिक जगह का सुख प्राप्त होगा। नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपके सगे संबंधियों से मेल जोल बढ़ेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज आप उत्साहित रहेंगे। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, अनचाहे भय से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी जिसे आप पूरा करेंगे। आज आप कुछ निजी मामले में थोड़ा भावुक हो सकते हैं। शिक्षक आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। परिवार वालों के साथ माँ दुर्गा की आरती करें, पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज संयम रखने से रुकी योजनाएं सफल होंगी। डिप्रेशन की समस्या से आपको आराम मिलेगा। आज आप कोई नई भाषा सीखने के बारे में विचार करेंगे। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करें, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। माता दुर्गा को इलायची अर्पित करें, घर से नेगेटिविटी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। आज आपके बड़े भाई आपसे किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माता का आशीर्वाद लें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज परिवारजन आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का सोल्यूशन निकालने में सक्षम रहेंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। माता चंद्रघंटा को पुष्प अर्पित करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। घर पर आपके अच्छे गुणों की चर्चा होगी। परिवार वाले आपके द्वारा किए गए कार्यों से
काफ़ी खुश नजर आएंगे। लंबे समय से चल रही योजना में आज कुछ नए चेंजेस भी कर सकते हैं। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना होगी। माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं, समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपको किसी से दूर संचार से शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। माता को कुमकुम का तिलक लगाएं, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप दूसरों की हर संभव मदद करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान हो सकता है। इस राशि के जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं, उनका दिन किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में गुजरेगा। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। आज आपका काम आसानी से पूरा होगा। कॉमर्स फील्ड के छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, सेहत में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आप किसी राजनेता से संपर्क करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस से अपने सभी रुके कामों को गति देंगे। अपनी योजना में जोड़ने के लिए आपको अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। आज आप भक्तिमय रहेंगे, पशु सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और आपका सान्निध्य बढ़ेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाएं, आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्मस्थल पर माथा टेकें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 2, विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जा सकते हैं। मूलांक 3, आपका मित्र आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकता है, आप उसकी परेशानी का हल निकालेंगे। मूलांक 4, आज संतान की अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा, आपकी चिंता कम होगी। मूलांक 5, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में कोई अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 6, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। मूलांक 7, आज का दिन काफी शानदार रहेगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 8, जिन मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर विवाद चल रहा था वो आज खत्म हो जाएगा। मूलांक 9, आज लवमेट के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा करने की सही दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इनमें से भी पूर्व दिशा में मुख करके पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति व शौर्य की प्रतीक है। वास्तुशास्त्र में पूजा के लिए पश्चिम दिशा की तरफ पीठ करके यानी पूर्वाभिमुख होकर बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिशा में उपासना करने से हमारे भीतर क्षमता और सामर्थ्य का संचार होता है, इससे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होती है। इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने वालों को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र में ये थी पूजा करने की सही दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है।
तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:04 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है, यानी आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जप माला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज आपको माता चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्वता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से जीवन में आ रही परेशानियों का स्वतः ही निवारण होता चला जाएगा। तो ये थी चर्चा चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवान मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो मंत्र क्या है। तो मंत्र नोट कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी इस मंत्र को बार बार फ्लैश करते रहेंगे। आप ध्यान से नोट कीजिएगा क्योंकि मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो चलिए अब नवान मंत्र की कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस मंत्र का पुरस्चरण है 1,00,000 जप। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। अब बात करते हैं नवान मंत्र के जप की। चैत्र शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तक साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए, यानी नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 13 अप्रैल को है और अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को पड़ेगी। तो 13, 14, 15, 16 4 दिन 1,00,000 जप। बता दूं कि जप का 10% हवन यानी 10,000 बार हवन, 10% तर्पण यानी 1,000 बार तर्पण, 10% मार्जन यानी 100 बार मार्जन, उसका 10% ब्राह्मण भोज यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन। यानी आपको 13 से 16 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1,00,000 मंत्र पढ़ने हैं यानी 25,000 रो। और अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते तो उसको भी जप में जोड़ लीजिए। यानी 1,00,000 जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 बार मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज भी उसी में जोड़ लीजिए। ब्राह्मण भोज भी उसी में जोड़ लीजिए। एक ब्राह्मण मिल जाए तो भोजन करा दीजिए, आप 10 ब्राह्मण खिला सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, आपका भाग्य प्रबल है। अगर आप 10 नहीं खिला सकते तो 1 ब्राह्मण खिला दीजिए, और आप वो भी नहीं करना चाहते तो 10 बार मंत्र ही जप लीजिए। महाराज इनको 4 भागों में बांटिए, 1,11,110 4 से डिवाइड करिए, 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं तो इस हिसाब से 257 माला रोज करनी होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 1,00,000 मंत्र नहीं जप सकते तो वो भी नहीं जप सकते तो 1,000 मंत्र जपिए। लेकिन जपिए जरूर महाराज, जपिए जरूर। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप वशीकरण तथा किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी को वशीकरण करने के लिए यह मंत्र ऐसे जपा जाएगा, वशट
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अमुक नामानं वशट में वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा। जहां अमुक नामानम लिखा है वहां फला व्यक्ति का नाम लेकर कि इस नामानम व्यक्ति का वशीकरण करना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक्स वाई जेड का वशीकरण करना है, तो मंत्र इस तरह पढ़ना होगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे एक्स वाई जेड नामानम वशट में वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जब सफ़ेद वस्त्र धारण कर सफ़ेद आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए। बुरी नियत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जब मंत्र नवरात्र में सिद्ध हो जाए तब इसका मुंह दक्षिण की तरफ मुंह करके और किसी का नाम लेके जपना हो तब करिए। देखिए एक बार फिर बता दूं, जब नवरात्र में मंत्र सिद्ध करना है तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही मंत्र सिद्ध करेंगे। जब मंत्र सिद्ध हो जाए उसका प्रयोग करना है तब सफ़ेद आसन पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेते हुए ये मंत्र जपेंगे। तो ऊपर आपने देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। अब बताता हूं किसी को और अपनी ओर आकर्षित करने का मंत्र क्या है। तो आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तम यम यम शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। देखो शब्द इसमें लिखा है शीघ्र मार्कर्षयाकर्षय, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। यह है शीघ्रम आकर्षय आकर्षय, तीनों को जोड़ देंगे तो शीघ्रम आकर्षय आकर्षय ऐसे हो जाएगा। आप बिल्कुल फाड़ चीर के पढ़िए ताकि आपका उच्चारण भ्रष्ट नहीं होने पावे। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तम यम यम शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज चैत्र नवरात्र के 3रे दिन माँ चंद्रघंटा के की कृपा से नवान मंत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:29 तक आयुष्मान योग रहेगा। भारतीय संस्कृति में किसी की लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही आज देर रात 1:38 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृतिका 3रा नक्षत्र है। अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। वृषभ राशि ही वृष राशि, पहला 1 चरण मेष राशि में और बाकी 3 चरण वृष राशि में। समझ लीजिए कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों से कृतिका नक्षत्र का संबंध रहता है। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य करने में मदद करते हैं। लिहाजा कृतिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। वहीं अगर कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें, इसमें रुको पहले समझ लो, कृतिका नक्षत्र की 1-2 बातें और समझ लीजिए फिर उसमें जन्मे जातकों की बात करते हैं। देखिए कृतिका अपने आप में मूलतः सूर्य और अग्नि के बीच एक ऐसा ब्रिज है
जो अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व। आपने ब्राह्मणों में नाम सुना होगा, मैं पहले एक आध बार चर्चा कर चुका हूं, वो जो अग्निहोत्री, अग्निहोत्र शब्द का अर्थ यह है कि वसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र में प्रज्वलित अग्नि से जो प्रातः सायं अग्निहोत्र करता हो अपनी पत्नी के साथ, अकेले नहीं, तो स्त्री के साथ बैठकर। देखो, बहुत से काम ऐसे हैं जो सन्यासी नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो और गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है, लाइक ए टैक्स पेयर। जैसे हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा दायित्व किसका है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, लाइक ए टैक्स पेयर। जो गृहस्थ हैं हमारे, वो सबसे रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है सोसाइटी के, तो उनको बहुत से रिस्पॉन्सिबल एक्शन भी लेने होते हैं, काम भी करने होते हैं। तो बसंत ऋतु में प्रज्वलित अग्नि में ब्राह्मण अपनी स्त्री का हस्त स्पर्श, अपने स्त्री का हाथ ग्रहण करता है और वहां से अपनी स्त्री के साथ नित्य उसी अग्नि में जो कृत्तिका नक्षत्र में सुलगाई, वो अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, उसी अग्नि में नित्य प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करता है अपनी स्त्री के साथ, विशेष रूप से गायत्री मंत्र का। और आजन्म अग्निहोत्र करते हुए जब उस व्यक्ति का स्वर्गवास होता है तो घर से वही अग्नि ले जाई जाती है और उस व्यक्ति विशेष को मुखाग्नि जो दी जाती है, मुख में अग्नि, वो वही अग्नि होती है जो बसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र में प्रज्वलित की गई थी और जिसमें किसी भी पुरुष ने अपनी स्त्री के साथ पूरे जीवन अग्निहोत्र किया। ऐसा करने वाले लोगों को अग्निहोत्री कहते थे। हमारा समाज तो बड़ा विस्तृत है ना, हमारे यहाँ न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हमारे यहाँ तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनका भी सत्य का आचरण, सत्यनारायण है उनके लिए, सत्य का आचरण करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के संबंध में इस बात को याद रखें कि अग्नि और सूर्य के बीच का एक अद्भुत पुल है, जिस पुल पर सवार होकर आप सूर्य तक भी जा सकते हैं और अग्नि को भी महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड की रचना एक ही अणु से हुई है। उस अणु को यदि आप अपने अंदर महसूस कर ले तो ब्रेन, दिमाग पर चलता हुआ आरा भी, खैर चलिए हम लोग फिर किसी दिन चर्चा करें। अब अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो वे बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध उदुम्बरादि यानी गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को या जिनकी राशि, मतलब जो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए हों, उन लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़ टहनियों, पत्तियों या उसके फल को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं गणगौर व्रत और मत्स्य जयंती की। बता दूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से हो जाती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर अगले 16 दिनों तक मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ ये पूर्ण होता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि आज मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के दिन को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और सृष्टि का कल्याण किया था। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जल जंतुओं या जल तत्व से होने वाली हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य, प्रेम और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोलकाता के प्राचीन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ये मंदिर
माँ काली का सबसे सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पर माँ काली की प्रतिमा अति जागृत प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को देवी की शक्ति का आंतरिक आभास होता है। मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि 200 साल पहले यहाँ माँ के एक भक्त यानी रासमणि को माँ ने सपने में दर्शन देकर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी थी। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी तपोस्थली रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यहाँ देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे, तो आप भी कीजिए देवी के इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों के फड़कने के बारे में। गाल का फड़कना आपके जीवन में थोड़ी परेशानी वाला होता है। अगर आप अस्वस्थ हैं और आपके दाहिने गाल में फड़कन है तो आपके स्वास्थ्य के सुधरने में थोड़ी देरी हो सकती है, और अगर आपके बाएं गाल में फड़कन है तो आपकी खुशियों में थोड़ी बाधा आ सकती है। लेकिन अगर किसी के यहाँ संतान होने वाली हो और किसी के बाएं गाल के मध्य भाग में फड़कन हो तो उसके घर में कन्या के जन्म का सुयोग बनता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे के जन्म की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं अगर व्यक्ति के दोनों गाल समान रूप से फड़कें तो धन की प्राप्ति होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गालों के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाते हैं। परवल ये तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माँ चंद्रघंटा के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।